जय हिंद दोस्तों मैं बेन चौहान आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू टू रिसीव ग्रेड ए इन कोर्स वन मस्ट ऑप्टेन एन एवरेज ऑफ नाइन्टी मार्क्स और मोर इन फ़ाइव एग्जामिनेशन ईच ऑफ हंड्रेड मार्क्स फाइव एग्जाम हो रहे हैं हर एक एग्ज़ाम सौ मार्क्स के हैं अगर आपको ए ग्रेड चाहिए किसी कोर्स में तो कम से कम अगर आपके फाइव एग्ज़ाम में पांच एग्जाम हुए आपके सौ मार्क्स के उसमें हमने आपके मार्क्स निकाले उसका हमने एवरेज निकाला अगर एवरेज नाइन्टी या नाइन्टी से ज़्यादा आता है तो आपको ग्रेड ए मिलेगा ओके अब एक बच्ची है सुनीता इस क्वेश्चन में ये हो रहा है कि फाइव एग्ज़ाम हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अगर इन पांचों पेपर का हम एवरेज निकालें इन पांचों पेपर में जितने आपके मार्क्स आए हैं उसका एवरेज निकालें तो एवरेज निकालने के लिए जितने मार्क्स आए हैं ये देखिए जितने मार्क्स आए हैं उन्हें ऐड करो पेपर थे पाँच तो पाँच से डिवाइड करो तो अगर ये पाँच एग्ज़ाम में जो आपके पाँच एग्जाम हुए हैं अगर इनका एवरेज निकालें इन पांचों एग्ज़ाम में जितने मार्क्स आए हैं डिवाइडेड बाय फाइव और एवरेज अगर नाइन्टी या नाइन्टी से ज़्यादा आता है यहाँ पे एटलीस्ट शब्द ना लिख के डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख दिया है कि टू रिसीव ग्रेड ए इन द कोर्स वन मस्ट ऑप्टेन एन एवरेज ऑफ नाइन्टी मार्क्स और मोर नाइन्टी या नाइन्टी से ज़्यादा अगर आपका एवरेज आता है तो आपको ग्रेड ए मिलता है सो दिस इज़ एवरेज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिवाइडेड बाई फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन्टी कहानी है जो हमने समझी इस क्वेश्चन में दी गई है फिर यहाँ पर एक स्टूडेंट है सुनीता उसका नाम है फर्स्ट फोर एग्जाम में उसने इतना स्कोर किया है कितना यहाँ पे लिखा हुआ है एटी सेवन नाइन्टी टू नाइन्टी फोर नाइन्टी फाइव ओके इतना स्कोर उसने किया है अब क्वेश्चन में पूछा है ये बताओ कि मिनिमम मार्क्स उसे कितना ऑब्टेंड करना चाहिए फिफ्थ एग्ज़ाम में ताकि उसे ग्रेड ए मिल जाए यानी कि नाइन्टी या नाइन्टी से ज़्यादा मार्क्स तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एक्स बी द मार्क्स ऑबटेन्ड बाय सुनीता इन फिफ्थ एग्ज़ाम अब एवरेज अगर नाइन्टी या नाइन्टी से ज़्यादा है तो ही आपको ग्रेड ए मिलेगा ये पूछ रहे हैं फिफ्थ एग्ज़ाम में सुनीता को कितने मार्क्स मिले ताकि उसे ग्रेड ए मिल जाए तो एवरेज फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट टेस्ट में उसे मिले एटी सेवन सेकेंड में नाइन्टी टू थर्ड में नाइन्टी फोर फोर्थ में नाइन्टी फाइव फिफ्थ में एक्स जो हमने अभी यहाँ पर लेट किया है टोटल फाइव पेपर हैं फाइव से डिवाइड कर देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन्टी अगर आपको ग्रेड ए चाहिए तो आपका एवरेज नाइन्टी या नाइन्टी से ज़्यादा होना चाहिए ये कंडीशन गिवन है तो इन्हें ऐड करो तो आया थ्री सिक्सटी एट प्लस एक्स अपॉन फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन्टी अब ये फाइव यहाँ से गायब करना है तो इनिक्वालिटी के दोनों तरफ प्लस फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे ये देखो प्लस फाइव से हमने मल्टीप्लाई कर दिया पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर आया थ्री सिक्स एट प्लस एक्स इंटू फाइव अपॉन फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन्टी इंटू फाइव अब ये फाइव से फाइव कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा थ्री सिक्स एट प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन्टी इंटू फाइफ ये हो गया फ़ोर फिफ्टी अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल होना चाहिए इस कांस्टेंट को हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस थ्री सिक्स एट कर देंगे तो ये होगा थ्री सिक्स एट माइनस थ्री सिक्स एट प्लस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू फोर फिफ्टी माइनस थ्री सिक्स एट एडिशन और सब्ट्रैक्शन डू नॉट चेंज द साइन ऑफ इक्वेलिटी तो ये होगा थ्री सिक्स एट से थ्री सिक्स एट हो गया कैंसिल यहाँ पे बचा सिर्फ़ एक्स ये कैंसिल कर दिया हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर फिफ्टी माइनस थ्री सिक्स एट ये होगा एट्टी टू इसका मतलब सुनीता मस्ट ऑब्टेन्ड मिनिमम एट्टी मार्क्स इन फिफ्थ टेस्ट टू गेट ग्रेड ए अगर उसे ग्रेड ए चाहिए तो उसका एवरेज ऐट लीस्ट नाइन्टी मार्क्स का हो